हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी को दुनिया ऑफिशियल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये ब्लॉग जाएगा करवा चौथ का, स्पेशली करवा चौथ के लिए। तो आज है करवा चौथ, तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं और अभी टाइम करीब 12 बज रहे होंगे। हाँ, 12 बज रहे होंगे। तो हम लोगों ने नहा धो के पूजा वूजा कर ली है। आई थिंक 11 बजे ही नहा धो के पूजा वगैरह कर लिया था। अब बस शाम की तैयारी करेंगे। तो मैंने आज पहनी है ये वाली साड़ी, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने सोचा कि रेड सा पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन था रेड पहनने का, इसलिए फिर मैंने ये वाली रेड कलर की साड़ी पहनी। और ये बिल्कुल ही सिंपल साड़ी है जो कि मैंने पहन रखी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं आप लोगों को इस साड़ी दिखाती हूँ, आप लोग देखिए मेरा पूरा लुक दिखे। तो ये देखिए, आप लोग साड़ी को देख सकते हैं, ये साड़ी है। तो ना, और आप लोग बताइए आप लोगों की करवा चौथ की तैयारियां कैसी हो रही हैं। और मैंने मेहंदी का ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि ना मैंने मेहंदी खुद से ही लगाई है, मैंने किसी से नहीं लगवाई है। और खुद से लगाना और फिर खुद से ब्लॉग बनाना तो बनता नहीं है, तो इसलिए ना मैंने मेहंदी खुद से ही लगाई है। तो मैं आप लोगों को मेहंदी दिखाती हूँ। ये रही देखो मेरी मेहंदी, आप लोग देख सकते हैं। और इस हाथ की भी, तो आप लोग बताना कैसी लगी मेरी मेहंदी। और मैं ना मेहंदी की भी फ़ोटो साइड में लगा दूँगी कि, तो आप लोग अच्छे से देख लेना कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप लोगों को। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्लॉग में बनी रहिए। लगा हुआ का काम वाम कर लेती हूँ, और नेल पेंट भी लगाना है, तो लगा लेती हूँ नेल पेंट भी, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो ना अभी ये ना शाम का टाइम हो गया था, तो मैं ना शाम को तैयार होके सीधे पूजा करने लगी थी। और ये जो मेकअप वीडियो है ये स्पेशल से अलग से आएगा, और इसका मैंने ब्लॉग अलग से बनाया है, तो ये अलग से आएगा। और ना यहाँ पर हम ना सीधे पूजा करने लगे थे, क्योंकि सुबह के टाइम का, दोपहर के टाइम का मैंने और कोई ब्लॉग बना नहीं पाया था, शूट नहीं कर पाया था। तो फिर मैंने कहा चलो शाम को मैंने पूजा वाला पूरा ब्लॉग बनाया, तो आप लोग पूजा वाला देख लीजिए। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करवा चौथ माता की पूजा करेंगे, क्योंकि दोपहर को मेरे को टाइम नहीं मिल रहा तो मैंने नहीं किया। और फिर शाम को इतनी भगदड़ सी हो गई कि मैंने तैयारियों की भी नहीं कोई ब्लॉग बना पाया। तो यहाँ पर हम ना सीधे पूजा कर रहे हैं आकर के करवा चौथ माता की। तो हम दोनों लोग ही पूजा कर रहे थे करवा चौथ माता की। तो अब हम यहाँ पर करवा चौथ माता की पूजा करेंगे, उनको खाना वाना खिलाएंगे, फिर उसके बाद में हम जाएंगे चांद को अर्घ देंगे, और फिर उनको भी अर्घ दे के फिर उसके बाद में हम अपने पतियों की पूजा करेंगे, फिर उसके बाद में हम अपना व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पर हम बातें भी करते जा रहे थे और पूजा भी करते जा रहे थे, तो ना मेरे को बहुत हंसी भी आ रही थी। ऐसे ही दीदी बोलने लगी थी तुम तो ऐसे जल्दी जल्दी में लगी, क्योंकि ना लेट हो गया था तैयार होते होते, काफ़ी टाइम हो गया था। और जब हम लोग ऊपर गए थे ना तो चांद पूरा अच्छे से निकल आया था, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ना पूजा कर रही हर एक चीज़ की, है ना, कुछ चीज़ें ना मुझे पता भी नहीं थी, जो कि मुझे पहली बार ही पता चली है कि ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं अकेली हमेशा पूजा करती थी तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो ना पिछले साल मैंने अपने घर पे की थी मम्मी के साथ में, और इस बार मैं यहीं पर कर रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था कुछ कैसे क्या किया जाता। और ये जो वीडियो बन रहा है ना, इनको भैया पता ही नहीं था कैसा वीडियो क्या बनाना है, उन्होंने तो अपने मन से ऐसा बना दिया। फिर जब मैंने देखा मैंने कहा अरे यार इनने तो ऐसा वीडियो शूट कर दिया। और क्योंकि अपन खुद, मैंने ट्राईपॉड पे इसलिए नहीं लाया था कि अच्छे से दिखेगा नहीं, एक ही जगह का दिखेगा, और इससे ना चारों साइड का दिखा सकते थे, तो उसको कोई पता नहीं था। यहाँ पर हमने गणेश जी को माला अर्पित की, और फिर यहाँ पर फल वगैरह चढ़ाए। तो फल वगैरह चढ़ाने के बाद में फिर हम इनकी कथा करेंगे, क्योंकि पहले इनका पूजन अच्छे से पूरा कर देना चाहिए। और आप लोग बताना मेरी ज्वेलरी, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, अभी मैं आप लोगों को अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। तो फिर और इसका वीडियो में ना मेकअप का जैसे ये आएगा, फिर उसके दूसरे दिन ही मेकअप वाला भी डाल दूंगी।
और हाँ, हो सकता है 2 के 3 दिन के बाद के लिए करती हैं। प्राचीन काल के मिदृष नामक ब्राह्मण के साथ पुत्र और वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी थी। तभी वो भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक बाईगढ़ के वृक्ष पर जड़कर छलनी में दीपक रखकर दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझ कर दुख छोड़ गए। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में ससुर के पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई थी। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, किस अपराध का? माता, जैसे आपने वीरावती के पति की रक्षा की है, वैसे हम सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। हेलो गाइज, टुडे आई एम पोस्टेड एज एन कैमरा मैन इन माई ओन होम। अब ना यहाँ पर हम लोग ना नीचे की तो पूजा हमारी हो गई थी, फिर यहीं पे दीपक हम लोगों ने रख दिया था। हमने कहा चलो यहाँ पर, क्योंकि ऊपर तो हम अलग दीपक जलाते हैं ना, तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई थी। पूरा आप लोगों को अच्छे से पूरा दिखा रही, क्योंकि मैं ना चीनी के भी करवे रखती हूँ, क्योंकि मेरे फिर 2 ही रहते थे, तो फिर मैं चीनी के और रख देती थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा फुल लुक। अगर आप चूड़ा लेना चाहते हैं ऐसा मेरे जैसा, तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और ज्वेलरी का भी। ज्वेलरी मेरी फ़्लिपकार्ट से और चूड़ा मैंने मीशो से लिया था, और लेकिन लहंगा ऑफलाइन है। तो ना यहाँ पर ना हम लोग जब तैयार होके गए थे, तैयार होने में हमें काफ़ी लेट हो गया था, थोड़ा सा लेट हो गए थे। फिर हमें नीचे भी पूजा करनी थी। जब तक ऊपर गए थे तब तक ना चांद निकल आया था। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ में। 3 मैंने करवा चौथ किए, ये 4th करवा चौथ था, लेकिन 3 साल में मैंने पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि चांद पहले निकल आया और मैं बाद में पहुँची। नहीं तो फिर इंतज़ार करना पड़ता था हमें चांद का, क्योंकि इस बार हम लेट हो गए थे। लेट में तैयारी होना शुरू हुई थी। तो यहाँ पर हम अर्घ देंगे चांद को, और वही चांद की पूरी पूजा जैसे सभी के यहाँ पर होती है, सबके यहाँ अलग अलग होती है, हमारे यहाँ थोड़ी अलग टाइप की होती है। तो मैं ना यहाँ पर पहले चांद को अर्घ दूँगी, और फिर मुझे ना एक तो जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ना फिर मैंने कहा चलो अब तो चांद निकल ही आया है तो कोई बात नहीं। फिर अब हम यहाँ पर चांद को चावल और सिंदूर, चावल और मिठाई वगैरह सब कुछ, फूल वूल सब कुछ दे देंगे, मतलब सब कुछ चढ़ा देंगे चांद पर। फिर उसके बाद मैंने चांद को मैं भूल गई थी कि मैं सबसे पहले चांद को चलनी से देखती, लेकिन मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल गई थी। तो फिर मैंने चांद को देखा चलनी से, और फिर इसके बाद में फिर चांद की पूजा करी हमने। आरती मतलब चांद को पहले हम मैं चलनी से पहले ऐसे ही देख लेती हूँ, फिर दीपक से मैं बाद में देखती हूँ चांद को। और ये रहते हैं तो फिर इनकी भी साथ साथ में, चांद के साथ में इनकी भी पूजा करती जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर ना बहुत सी लेडीज़ थी, पूरी छत हमारी भरी हुई थी, मतलब टेरेस 7th फ्लोर था, पूरा टेरेस भरा हुआ था, तो इस वजह से ये गए नहीं थे। फिर मैंने इनके टीका वगैरह सब कुछ नीचे ही किया था। तो मैंने ना चलनी से पहले ऐसे ही चांद देखा, तो फिर मैंने दीपक के साथ में देखा चांद को ना। मैंने यहाँ पर ना चांद की वही जो हमारे करवा होता है ना, जिससे हम अर्घ देते हैं, उसी के उससे फिर मैंने उसकी आरती उतार के, फिर ये दीपक हम लोग ऊपर ही रखाते हैं। हमारे यहाँ लेके नहीं आया जाता है, ना ही करवे को लेके आया जाता है नीचे, और ना ही दीपक को। तो फिर ये सब कुछ हम ऊपर ही रखाए थे।
ना ही करवी को लेके आते हैं ना ही दीपक को लेके आते हैं, तो हम ना मैं ना वहीं पर रखाई थी और फिर ऐसे आरती वारती दे के और फिर वो सीख फेंकने वाला होता है ना, तो हमारे यहाँ ना चारों साइड एक लट लेके और चांदी की कोई भी चीज़ हो, तो मैं रिंग तो पहनी ही थी, तो फिर मैंने उसी रिंग से और पानी से एक लट लेके और आटे के कुछ बनाते हैं ना उससे चिपका चिपका के इन सीखों को ना सभी दिशाओं की तरफ फेंकते हैं। तो ये ना दीदी करवा रही थी मेरे से, वैसे अकेली होती हूँ तो किसी ना किसी यही करवा देते हैं हर बार, लेकिन इस बार दीदी थी तो मैंने कहा चलो दीदी के साथ कर लेती हूँ। तो आप लोग देखिए ब्लॉग को, और अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेकअप का वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, और अगर आप लोग इसमें से कोई भी ज्वेलरी चूड़ा नथ या माथा पट्टी लेना चाहते हैं तो मैं इन सभी के कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें मेरी ऑनलाइन ही हैं तो आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पर मेरी पूजा तो हो गई थी और फिर मैंने दीदी का भी करा दिया था, जो कि दीदी ने अपना एक भी सूट नहीं कराया था। फिर हमने नीचे आके, जब तक मैं नीचे आई थी तब तक ये तैयार हो गए थे, और ऐसा हुआ कि देखो हम दोनों का ना ड्रेस मैचिंग ही हो गया, इनकी शर्ट और मेरा लहंगा दोनों मैच ही हो गया। फिर मैंने इनका टीका किया, फिर इनको भी चलनी से देखा तो ना मेरे को इतनी तेज़ हंसी आ रही थी इनको देखते समय, और थोड़ी सी शर्म भी लग रही थी क्योंकि यार कोई जब अपना कोई वीडियो शूट करता है तो थोड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए ना मेरी भांजी ये वीडियो शूट कर रही थी तो ना मेरे को ना बहुत अजीब लग रहा था और इनको भी लग रहा था, मुझे थोड़ा कम लग रहा था इनको ज़्यादा लग रहा। फिर मैंने इनको भी मिठाई खिलाई, पानी पिलाया, फिर इन्होंने ऐसे ही सब कुछ हुआ, व्रत खोला। फिर और यहाँ पर इनने एक ऐसी बात बोली कि जिससे कि ना इतनी सबको हंसी आई, हद से ज़्यादा, ये जो नथ थी ना ये बार बार मैं उछका के उठा के तभी तो खाया, तो ये बोल रहे थे कि ऐसी चीज़ें लगाती क्यों जो उसको दिक्कत देती है खाने में, मत लगाया करो, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। अब मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Find the real me.